हे गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, थंबनेल से आपको पता है कि हाउ एम आई लिविंग रेंट फ्री इन कनाडा। अरे कहना क्या चाहते हो? अब गाइस देखो, रेंट फ्री रहना सबकी बस की बात है नहीं, बिकॉज इसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ चीजें आपके साथ होनी होती है जो मेरे साथ हो चुकी हैं। ठीक है, आई हैड अ सर्टेन प्लान, ठीक है, वो प्लान काम नहीं किया, कुछ चीजें हुई, एक पूरा एक कहानी है गाइस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड व्हाई विल यू लिसन टू दिस वीडियो, व्हाई विल यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज ये चीजें बहुत अनसर्टेन होती है। ठीक है, आप ये प्लान करके नहीं आते कनाडा में, बट ये जैसे मेरे साथ हुई है, ठीक है, मैंने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे साथ हुई है। एंड दैट इज वाई देयर आर प्रोबेबिलिटी, देयर आर चांसेस कि ये किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है या फिर आपके साथ भी हो सकता है। सो मी शेयरिंग माई परस्पेक्टिव, मी शेयरिंग वॉट आई डिड टू कोप अप विद द सिचुएशन विल हेल्प यू हाउ यू कैन डू थिंग्स इन योर लाइफ, जब आपके साथ ऐसी या सिमिलर चीजें आपके लाइफ में होती है। ठीक है, इसके साथ मैं और भी कुछ चीजें शेयर करूंगा, लाइक हाउ यू कैन एक्चुअली लिव रेंट फ्री इन कनाडा। दो तीन चीजें बताऊंगा जिसके हिसाब से यू कैन लिव रेंट फ्री एंड यू कैन ईट फ्री फूड एज वेल। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब दिमाग में रख लो यार, बिकॉज द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू विल हैव विल डिसाइड योर पाथवे हियर इन कनाडा। ठीक है, अगर आपको लाइफ आसान बनानी है देन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी होगी। ठीक है, ये चीजें बताते नहीं लोग यूट्यूब में गाइस। इसके साथ मैं और एक चीज भी बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली यू कैन लिव रेंट फ्री इन कनाडा। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट्स ना भी होते हैं देन एक दो ऐसी जगह है जहां पे आप बहुत सस्ते में या फिर रेंट फ्री रह सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन गेट फ्री फूड एज वेल। ठीक है, एक यहाँ पे और एक चीज है जहां पे आपको फ्री का खाना मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट गो एंड ग्रैब द फूड एंड ईट एज मेनी डेज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ओके, तो कुछ कुछ चीजें हैं। ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये बेसलेस वीडियो क्यों बना रहे हैं? ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बातें बताना जो काम है। देखो भाई, इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, बट जब लाइफ अनसर्टेन हो जाती है ना, जब मिसअप हो जाती है, जब आप देखते हो कि आपके आसपास आपके दोस्त नहीं है, आपके पास अपना कोई है नहीं यहाँ पे जो आपके दिल से हेल्प करे, हेल्प करना एंड दिल से हेल्प करना दो अलग चीज होती है। हेल्प लोग फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं एंड दिल से हेल्प तभी करते हैं जब दैट पर्सन केयर्स अबाउट यू। ठीक है, एंड केयर करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो यहाँ बहुत रेयरली बनेंगे, सारे आपके बैक होम ही होंगे। 99% ऑफ द टाइम्स वो बैक होम होते हैं, वो हेल्पलेस होते हैं, आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो तब क्या काम आती है गाइस, इन्फॉर्मेशन, जो अब मैं आप वीडियो में शेयर करूंगा। दैट इज वाई यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज प्लीज मेक श्योर द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो गाइस, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, 100K जल्दी जल्दी करा दो एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। करने से पहले गाइस ये देखो, ये बर्फ का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब समर्स तो आगे, स्प्रिंग का मौसम चल रहा है एंड मैं गाड़ी में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज यार बाहर बहुत हवा चल रही है। ठीक है, एंड साउंड कट होगा। तो ये देखो, ये पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है। आज टेम्परेचर है 11 डिग्री, स्टिल इट्स नॉट मेल्टिंग। ठीक है, इसको टाइम लगता है। एंड वो देखो सामने एक शेल्बी खड़ी हुई है भाई, दिस इज नॉट द नॉर्मल मस्टैंग, इट्स अ मस्टैंग शेल्बी गाइस। ये देखो शेल्बी का बैजिंग भी है, बहुत प्यारा कलर है गाइस, बहुत प्यारा, 500 horsepower है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, अब मुद्दे पे आते हैं। तो मेरा जो पहले वाला घर था गाइस, वो घर बहुत अच्छा था, मैं 7-8 बंदों के साथ रहता था, एवरीवन वाज फ्रेंडली, एवरीवन वाज कम्प्लीटली ओके, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, मेरे घर का लोकेशन भी अच्छा था एंड रेंट भी अच्छा था गाइस, लाइक $450 में मुझे सारा कुछ मिल रहा था, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज छोड़ के बाकी सारा कुछ वाज इंक्लूडेड। इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस एंड आई वाज हैविंग नो मूड टू चेंज द और शिफ्ट द हाउस राइट। बट आप दोस्ती के खातिर, फ्रेंडशिप्स के खातिर, बॉन्डिंग के खातिर, ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हो, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोगों को, किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इट्स जस्ट अ सिचुएशन दैट हैपेंड इन माय लाइफ एंड मैं उसका नॉलेज, उसका पर्सपेक्टिव, उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट इफ एनीथिंग हैपेंस लाइक दिस और सिमिलर लाइक दिस, यू कैन कोप अप विद दैट लाइक जस्ट लाइक आई डिड। ओके, तो किसी के लिए मैंने वो घर छोड़ दिया था एंड टू बी वेरी फ्रैंक, वो घर मैंने तभी छोड़ा था जब मेरे पास एक और घर फाइनल हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स अ बेसिक सेंस राइट। आप एक चीज अगर छोड़ रहे हो, दूसरा फाइनल करके ही छोड़ोगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई चाहेगा नहीं कि अब मैं रस्ते में रहूं, रस्ते में घूमू, अपना लगेज वगैरह लेके, दो सूटकेस लेके, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा। फिर क्या हुआ, जो मैंने घर फाइनल किया था उसमें आई टुक अ प्राइवेट रूम। ठीक है, रेंट भी बता देता हूँ, रेंट वाज $675 फॉर द प्राइवेट रूम एंड मुझे उस घर का लोकेशन भी सही था, इतना सही नहीं था बट सही था। ठीक है, क्लोज टू माई जिम एंड स्टफ, ठीक है, सही था लोकेशन, मुझे पसंद आ गया था, बट मेनली आई डिडंट फोकस ऑन दोस थिंग्स की लोकेशन, रेंट वगैरह इतना नहीं सोचा था, आई वांटेड टू स्टे विद माय पीपल। ठीक है, दोस्तों के साथ रहना था तो दोस्ती के खातिर मैंने सारे कुछ ऐसे कट ऑफ करके, आई जस्ट वांटेड टू स्टे विद देम, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव टू दैट प्लेस। ओके, अब क्या हुआ,
ये जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बात बन गई थी, हमारे पर्सपेक्टिव्स हमारे वो मैच नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत मतलब कन्फ्लिक्ट चालू हो गई थी। ठीक है, छोटे मोटे होते रहते थे बट इन द एंड थोड़ा कन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया। ठीक है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट हमारी बॉन्डिंग टूट गई। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। ठीक है, बट मेरे को लगा कि वो सही हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यूजुअली फ्रेंडशिप के बीच में होता रहता है, एंड बहुत बार हुई हमारे बीच में एंड इट वॉज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, फिर सब कुछ सही हो जाता, फिर हम एकदम नॉर्मल हो जाते थे। बट अगेन विथ टाइम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लग गई थी, पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं कर रहे थे, थोड़े बाउंड्रीज बन गए थे बीच में, थोड़ा डिस्टेंस हो गया था वो फ्रेंडशिप। ठीक है, हम दोनों थोड़े डिस्टेंट हो गए थे, मुद्दा यही है। एंड ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगता था थोड़ा, एंड फाइनली जो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बड़ा हो गया जो मैं बता रहा हूँ, एंड वी लॉस्ट टच। ओके, कम्प्लीटली वी लॉस्ट टच। अब ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट का बात, एंड इससे क्या इफेक्ट हुई, जो हमारा हम दोनों का जो प्लान था टू स्टे इन द सेम हाउस एंड लाइक हैप्पी हैप्पी रहेंगे, दोस्त साथ रहेंगे, खाना पीना करेंगे, ठीक है, तो मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, तो वो जो प्लान था वो हार्म हो गई, वो इफेक्ट हो गई बिकॉज कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो सॉर्ट नहीं हो रही थी। ओके, एंड माइंड यू इससे जो हमारे हाउसिंग का प्लान इफेक्ट हुआ, वो ऐसा नहीं कि बस मैं इफेक्ट हुआ, वो खुद भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो भी इफेक्ट हुआ, मैं भी इफेक्ट हुआ, बिकॉज दोनों का म्यूचुअल प्लान था, एंड जो घर था दैट वाज अ 2 BHK, एंड ऑब्वियसली उसमें लाइक सारे बंदे अगर रहते तभी वो आइडियल होता, अगर कोई बंदा नहीं रह रहा है, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना मैंने रेंट तो पे कर दिया था, आई पेड फर्स्ट एंड आई पेड लास्ट मंथ, तो 675 प्लस 675 ऑलमोस्ट $1300 समथिंग होते हैं, तो मैंने पूरा अमाउंट एट वंस पे किया था, बट नॉट इवन अ सिंगल डे आई स्टेड इन दैट हाउस। ओके, ठीक है, मैंने एक भी रात वहां पे नहीं बिताया है। हाँ, लाइक मैं गया भी हूँ तो मे बी मेरे लगेजेस वगैरह जो मेरे दो सूटकेस है जो मैंने इंडिया से लाया था, एंड थोड़े मोटे मतलब जो नॉर्मल सामान है, बैग्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, सारा कुछ मैंने मेरे पुराने घर से लेके उस घर में डंप तो कर दिया था। ठीक है, बट मैं एक दो बार ही गिन के गया हूँ जस्ट टू टेक फ्यू स्टफ्स। ठीक है, मेरे थोड़े बहुत कपड़े, थोड़े बहुत खाने पीने का सामान, चार्जर्स वगैरह, ठीक है, एंड मेनली कपड़े, दैट्स इट, तो ये लेने गया था, बट नॉट इवन अ सिंगल डे आई स्टेड इन दैट हाउस डिस्पाइट ऑफ पेइंग $1300 समथिंग फॉर रेंट। ठीक है, एंड मेरा प्राइवेट रूम भी था, मैं चाहता तो जा सकता था, बट यार द थिंग इज मेरा जो माइंडसेट था इस चीज को लेके, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, सबके बीच में होता है, सॉर्ट भी हो जाता है, सॉर्ट नहीं भी होता देन इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, बट मेरा जो दिमाग चल रहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे ना वो वेलकमिंग वाला माहौल ही ना हो। ठीक है, मतलब उसको भी ऑकवर्ड लगेगा, मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा, दोनों फेस करेंगे एक दूसरे को, बात नहीं होगी, ठीक है, डिस्टेंस बना रहेगा, तो ऐसे घर में रहने का फायदा नहीं है। इस गाड़ी ने मुझे बचा लिया इस बारे, बिकॉज मेरे लिटरली डिक्की में पीनट बटर, ब्रेड, पानी, प्रोटीन पाउडर, सारा कुछ खाना गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है, एंड आई हैव मोस्ट ऑफ माय क्लोथ्स, अंडीज वगैरह, सारे कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक बंदे के लाइफ में, ठीक है, एक हफ्ता चलाने के लिए सारा कुछ वहां पे है। एंड एक हफ्ता बाद मतलब मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हाउ एम आई एक्चुअली लिविंग रेंट फ्री इन कनाडा। एक्साइटिंग है बट टेंशन वाली भी है। ठीक है, मैंने मम्मी को जब बताया था मम्मी डर गई थी, दोस्त को भी बताया था एक इंडिया वाले को, वो भी मतलब डर गई थी, बट यार सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू फिगर आउट समथिंग, एंड यहाँ पे कोई अपना नहीं होता भाई। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले लकीली यहाँ पे मतलब जब ये सिचुएशन हुआ गाड़ी में मैंने सारा अपना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप आई डिड, गाड़ी में अपना सारा सामान लगा रखा, जो बेसिक थिंग सूटकेस वगैरह उसी घर में, बट बेसिक जो मैं पहनता हूँ, बेसिक जो मैं खाता हूँ, सारा कुछ वहां पे रखा, एंड ऑब्वियसली अकाउंट में पैसे हैं तो आई कैन डू लाइक बनानास, मिल्क वगैरह, मैं ग्रोसरी वहां पे डायरेक्ट उठा के मैं पी भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, जो बेसिक है नट्स वगैरह सारा कुछ खा सकता हूँ। बट सोने के लिए, रात को सोने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, बिकॉज पूरा दिन मैं गाड़ी चला रहा था एंड मेरी शिफ्ट भी होती थी, तो सारा कुछ मेरा टाइम निकल रहा था, बिंदास कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, मैं आई वाज ऑल गुड गुड, खाना बाहर से खा रहा था, बट अगेन एक चीज मेरी डाउन जा रही थी, दैट वाज माय डाइट। ठीक है, सबसे पहले मेरी डाइट इफेक्ट हुई थी, एंड डाइट इफेक्ट जब होती है तुमको जिम में भी स्ट्रेंथ नहीं मिलता, एंड जिम में स्ट्रेंथ नहीं मिलता तो मुझे अंदर से बहुत लो फील हो रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला गया था, एंड मैंने जो पूरा बल्किंग किया था ना वो 2-2.5 हफ्ते में, लाइक शुरू शुरू के हफ्तों में जब मैंने घर छोड़ा था, ठीक है, स्ट्रेस के लिए, बिना डाइट के, बिना अच्छे वर्कआउट किए, मैंने 2-2.5 हफ्ते जिम भी नहीं गया मैं, मेरी बॉडी पूरी सूख गई थी। ठीक है, अभी फिर भी थोड़ा सा ठीक है, अभी फिर भी थोड़ा सा डोला वोला आ गया भाई, ठीक है, बिकॉज मैं अभी रेगुलरली जिम जा रहा हूँ। सो द कार सेव मी फर्स्ट, एंड सेकेंड आई वॉज हैविंग अनदर फ्रेंड हु इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, उसके घर में मैं रात बिता रहा था। ठीक है, एवरी नाइट आई यूज्ड टू गो बैक
टू दैट प्लेस एंड वहां पे मैं रात का डिनर करता था। ये जो मेरा स्केड्यूल था, पूरा दिन काम करना, बाहर खाना खाना, रात को डिनर करके उसके घर में सो जाना, ये मैंने कंटिन्यू किया फॉर लाइक थ्री मतलब एक देर डे पूरा ही बोल सकते हो, एक देर मैंने यही कंटिन्यू किया है एंड यही कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। बट अगेन एक और मिसअप इस बीच में हो गया, दैट इज मेरी जो रेगुलर जॉब थी वॉलमार्ट वाली, उसमें मेरे आवर्स बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है, इसमें मेरी ही गलती है, मैं खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने अपना काम स्विच कर दिया था, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू लीव दैट जॉब एंड मुझे कुछ दूसरा एक पाथ पे मिल गया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं उसमें काम कर रहा था एंड आई वॉज हैविंग अर्निंग गुड मनी इन दैट, आई एम स्टिल अर्निंग गुड मनी इन दैट, बट बिकॉज मैं इरेगुलर हो गया था, वॉलमार्ट नहीं जाता था, तो हर एक कंपनी का रूल है, इफ एन एम्प्लॉय इज नॉट शोइंग अप ऑन देयर डिजायर्ड डेज एंड डिजायर्ड शिफ्ट्स देन वो आवर्स कम करते, तो मुझे दो हफ्ते में बस दो दिन मिल रहे हैं, ठीक है, दो हफ्ते में दो दिन, 14 डेज में दो दिन मिल रहे हैं मुझे काम, एंड भाई 80-85 बनते हैं एज यू नो आफ्टर टैक्स। सो ये एक सीन हो गया था। अब मेरी जो ये दूसरी इनकम सोर्स है ना, जिसपे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, ड्यू टू सम मार्केट थिंग्स एंड रिसेशन वगैरह, थोड़ा ये भी डाउन चली गई है। ओके, इसमें भी इनकम ढंग का नहीं आ रहा, लाइक आई एम अर्निंग द बेसिक जो $80 मेरे वॉलमार्ट से आता था वो तो मैं कमा ही रहा हूँ, बट आई वॉज लिटरली, मैं अगर फिगर्स दो, आई वॉज अर्निंग ऑलमोस्ट अराउंड लाइक $200 के आसपास, उससे ज्यादा भी, ठीक है, मैं कमा लेता था एक दिन में बाई डूइंग दिस थिंग, ठीक है। सो ये इसका ग्राफ भी डाउन चला गया, आई एम बैक टू अर्निंग लाइक $80-$100 पर डे, बट मुझे ये फील हो रहा है कि ये धीरे धीरे और डाउन चली जाएगी एंड आई माइट हैव टू फाइंड अ रेगुलर शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। अब वॉलमार्ट में करूँ या कहीं दूसरी जगह करूँ वो तो आगे वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा, बट ये एक फाइनेंशियल इशू हो रही है एंड आई हैव टू पे माई ट्यूशन फीस विच इज अराउंड $10,000 एंड $1,000 रजिस्ट्रेशन फी, गाइस $11,000 का एक फाइनेंशियल प्रेशर है जो मुझे देना पड़ेगा एंड माई फाइनेंशियल ग्राफ इन कैनेडा इज धीरे 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 गोइंग। आई हैव सेविंग्स, बट या सेविंग्स आर फॉर इमरजेंसी, राइट, सेविंग्स ऐसे, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी नहीं बोलूंगा बिकॉज मैं खा पी रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर भी है, ठीक है, वो वाला घर तो है जहां पे मैंने रेंट पे किया, मैं जा सकता हूँ कभी, बट आई एम नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड मेरे पास ये फ्रेंड का घर भी है, तो अभी थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, बट फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं एंड खर्चे, लिविंग कॉस्ट इन कैनेडा इज इंक्रीजिंग गाइस, ये कम नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है एंड वेज गाइस वही है $15, ठीक है, मैं ज्यादा कमा रहा था बट मेरी ग्राफ रेट डाउन हो गई, द बेसिक यू कैन अर्न इज $15, अभी तो $1 बढ़ गया है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर रेगुलर जॉब्स, वो फेडरल जॉब्स के लिए एप्लीकेबल है एंड $1 बढ़ा के क्या हो गया, आप GTA में घर खरीद लोगे, घर भाई मिलियंस में आते हैं, ठीक है, $1 बढ़ा के कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं, वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाएगा, उसके बारे में वीडियो चाहता बाद में बता दूंगा, बट दैट इज हाउ आई एम लिविंग रेंट फ्री इन कैनेडा। मेरा लगेज कहीं और है, मैं रहता कहीं और हूँ, ये जो फ्रेंड का घर है ना, यहाँ पे भी मैं हमेशा नहीं रहता, आई हैव सम अदर प्लेसेस टू स्टे एज वेल, कभी इधर ऐसे करके मैंने 1.5-2 महीना गुजार दिया है एंड मेरा प्लान है कि और एक महीना भी ऐसे गुजार दो, बिकॉज अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज अ फाइनेंशियली वाइज डिसीजन, बिकॉज द फ्रेंड्स आई हैव अ वेरी वेलकमिंग, अ वेरी गुड, वो माइंड नहीं करेंगे एंड ठीक है, तो मैं अपना लगेज वगैरह शिफ्ट करा लूंगा, बिकॉज दिस इज माई लास्ट मंथ इन दैट प्लेस जहाँ पे मैंने रेंट पे किया है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट 2 महीने हो जाएंगे तो मुझे वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो शिफ्ट कराऊंगा एंड मेरा जो मैट्रेस था, एक मेरा क्वीन साइज का बड़ा मैट्रेस है, वो मेरे सबसे पुराने वाले घर में पड़ा हुआ है जहाँ पे मैं शुरू में रहता था, ठीक है, उसको शिफ्ट कराने के लिए दिस कार इज नॉट एनफ, वो बहुत बड़ा है, उसके नीचे बेड सपोर्ट भी है, ओके, तो बेड सपोर्ट को शिफ्ट करने के लिए आई नीड टू डू यू हॉल, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, यू हॉल इज लाइक अ ट्रकिंग कंपनी जो मूविंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए हेल्प करती है एंड यूहॉल का एक बहुत अच्छा चीज आपको समझाता हूँ मैं, यूहॉल में ना गाइस आपको ट्रक दे देंगे, वो आपके साइज के हिसाब से आपको ट्रक दे देंगे एंड यू योरसेल्फ हैव टू ड्राइव द ट्रक, ठीक है, आपके किलोमीटर्स के हिसाब से या घंटों के हिसाब से कुछ आप चार्ज करते हैं वो लोग, यूहॉल कंपनी, ठीक है, आप ट्रक ले सकते हो, अपने घर में जा सकते हो, अपना खुद का सामान आपको खुद ही शिफ्ट कराना पड़ेगा, गाड़ी में उठाना पड़ेगा ट्रक लेके, यू हैव टू मूव योरसेल्फ, विद इन द सिटी, ठीक है, अगर आपको हेल्पर चाहिए देन हेल्पर के लिए अलग कॉस्ट, बट यूजुअली कोई हेल्पर लेता नहीं है, एक दर महीना और मुझे ऐसे गुजारना पड़ेगा, सो आई कैन स्किप माई रेंट, स्किप माई लाइक ग्रोसरी का खर्चा भी बहुत कम हो गया, बिकॉज बेसिक प्रोटीन पाउडर वगैरह तो एक बार खरीद लो पूरा महीना चलता है, चावल पूरा महीना चलता है, दाल पूरा महीना चलता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह खरीद लेता हूँ, बनानास वगैरह खरीद लेता हूँ, बाकी डिनर इसके घर में कर ही रहा हूँ मैं, तो चल रहा है भगवान की कृपा से, ऑल गुड, एक दर महीना और निकाल लूंगा, ठीक है, प्रॉपर समर्स आने तक,
उसमें दो बेनिफिट होंगे, बिकॉज मेरा रेंट का पैसा एंड ग्रोसरी का पैसा स्किप होता जाएगा, तो दैट विल बी माई सेविंग्स, ठीक है। जॉब एक मैं अच्छा खासा ढूंढ लूंगा या फिर इसी को फोकस करके ग्रो करवा लूंगा, दैट इज माई प्लान राइट नाउ। एंड जब तक समर्स आएंगे तब तक मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, ठीक है, डाउन टाउन ब्रैम्पटन में, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज खुल जाएंगे। अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रही है इसलिए लोग हायर नहीं कर रहे, बट वंस द फाइनेंशियल ईयर गेट्स कंप्लीटेड मार्च के बाद बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी जून जुलाई के महीने में, ठीक है। तो फुल टाइम के लिए एलिजिबल हूँ मैं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आई कैन लाइक अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड मेरी सेमेस्टर्स वगैरह भी चालू हो जाएंगी, आई हैव टू स्टडी टिल डिसम्बर। तो अभी ये चल रहा है, देखो मैं जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें कोई आपको सोल्यूशन या कंक्लूशन नहीं दिखेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू वेज, गिविंग यू माइंडसेट हाउ टू कोप अप विद द सिनेरियो, बिकॉज गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन गाइस, बिकॉज अब इंडिया में, इंडिया से आ रहे हो, किसी के भरोसे नहीं आ रहे हो, ठीक है। दोस्त बनेंगे, दोस्त जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, बट ये दिल नहीं तोड़ना है गाइस, ये दिल पे वो आग जला के रखो, हंगर रखो। एंड अगर आपको खाना भी है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे गुरुद्वारा होती है गाइज, अगर आपको दिन में जितना मर्जी भी आप खा सकते हो, दोपहर को खा सकते हो, रात को खा सकते हो, सुबह कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। गुरुद्वारा इज ऑलवेज देयर टू सर्व यू गाइज, पंजाबी कम्युनिटी की ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी भूखा हो, कोई भी किसी को खाने की जरूरत है, कोई भी गुरुद्वारे में जा सकता है, एनी टाइम ऑलवेज ओपन गाइज, वहां पे जाके आप लंगर चख सकते हो, ठीक है। मैंने भी बहुत बारी किया है, ठीक है, आप वहाँ पे रात भी बिता सकते हो, अगर आपको बस कुछ भी नहीं, आप लगेज कहीं और रख दो किसी के घर में, दोस्त के घर में, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग इन दैट प्लेस, या फिर आप एक लड़की हो, आपको किसी लड़कों के घर में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, द्वारा में रात बिता सकते हो, ऑल सेफ होली एनवायरमेंट, भगवान का पाठ भी कर सकते हो, वहाँ पे रात बिता सकते हो। एंड फ्री फूड का जो मैं बता रहा था, यहाँ पे फूड बैंक्स होते हैं गाइस, जहाँ पे एनी वन इज वेलकम, ठीक है, कैनेडियन हो, किसी दूसरे नेशन से हो, किसी भी प्रोविंस के लोग हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यू डोंट नीड टू शो एनी डॉक्यूमेंट। मुझे पहले लगता था कि पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं जाता नहीं था, बिकॉज ऐसे लेजी था, ठीक है। बट यही जिस लोकेशन में मैं बैठा हूँ, इसके पास में ही है गाइस फूड बैंक, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, यू गो देयर, आपको रॉ फूड लाइक वेजिटेबल्स, टमाटोज, अनियंस वगैरह, जूसेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा कुकिंग करने का, कैंड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चिप्स, कोक वगैरह सारा कुछ, आपका पूरा महीने का ग्रोसरी आप फ्री में कर सकते हो, एवरी मंथ कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा। नेवर एवर डिपेंड ऑन एनी वन गाइज हियर इन कैनेडा, इफ यू थिंक दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, योर लाइक एकदम अपना बन गया है, कभी भी कोई मिसअप हो सकती है, कभी भी माइंड चेंज हो सकता है, ये सेम फॉर एवरी कंट्री, अगर आप अब्रॉड आ रहे हो, ठीक है, एट द एंड आप अकेले ही हो, यू हैव टू वॉक दिस जर्नी अलोन, आपके मम्मी पापा को सपोर्ट करो, बिलीव इन गॉड, ठीक है, गॉड पे बिलीव रखो गाइस, ठीक है। अगर आप सबका हाथ छोड़ दोगे ना, लाइक मम्मी पापा से तो दूर हो ही गए हो आप, ठीक है, दूर एज इन डिस्टेंस में दूर हो गए हो, ठीक है, अगर आपके दोस्त भी मतलब छोड़ के आपको जा रहे हैं, ठीक है, आपकी दोस्ती टूट रही है, आपके पास कोई नहीं है, एटलीस्ट होल्ड द हैंड ऑफ गॉड गाइज, हैव फेथ, ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड गाइज, वो रास्ता दिखा देगा, सब कुछ कर देगा। एंड फॉर मी, मैंने कोप अप कर लिया गाइज, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, यहाँ पे आया हूँ तो कुछ उखाड़ के जाऊंगा, ठीक है, पीआर लेना है, बहुत कुछ करना है, आगे दूसरे कंट्रीज में भी जाना है, पूरा प्लान के साथ चल रहा हूँ, लेजर फोकस गाइज, आई डोंट गिव अ शिट व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ गॉड, आई विल क्लियर इट, आई हैव क्लियर इट ऑलमोस्ट, सो वही है गाइज, ऑलवेज कोप अप, अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, सिंपल गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू गिव अप, वो जो क्विट कर देता है, अनसब्सक्राइब माय चैनल गाइस, आई डोंट वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मोटिवेटर्स हसलर्स को ही रखना चाहता हूँ अपने ऑडियंस में। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पम्प्ड अप हो जाओ, कोई भी अनसर्टेनिटी आए, कोई भी कुछ आए, ठीक है, डील करना है, मेरे को क्वेश्चन करो, मेरे को अगर मेरा नंबर भी चाहिए ना, आई कैन गिव यू दैट, आई हैव गिवन टू अ लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर, जो मेरे को यहाँ मिलता है, मैं अपना डायरेक्ट नंबर देता हूँ, कॉल मी गाइस इफ यू वांट एनी हेल्प, इफ यू वांट एनी सपोर्ट, बिकॉज इनिशियली जब आते हैं बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, आई एम देयर फॉर यू गाइज, मेरे पास नहीं भी होगा तभी मैं तोड़ा मोड़ा करके जुगाड़ करके आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, कोई नहीं है तो मैं हूं भाई, मेरा चैनल है, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, अनलाइक दिस वीडियो, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, 100 के करा दो जल्दी जल्दी, अच्छा लगता है, माई मॉम एंड डैड विल बी प्राउड एज वेल, प्ले बटन आएगा उसके ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है, बाकी आगे व्लॉग्स आते रहेंगे, टिल देन स्टे ऑसम, ऐसे नहीं कंक्लूड करेंगे, फोन को उठाते हैं, Till then, stay awesome, stay sexy, love you all. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye.